सुरक्षा घेरा तोड़ लड़के ने प्रियंका गांधी को कर दिया प्रपोज, फिर जो हुआ सब देखते रह गए। जी हाँ, आपको तय चले कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का फेज अब बहुत ही जल्द आने वाला है। जी हाँ, आपको तय चले कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, लेकिन दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस की तरफ से बागडोड़ संभाली हुई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव पहुंची, जहां पर उन्होंने एक भव्य रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी को सुनने के लिए लाखों की तादाद में जनता मैदान में पहुंची हुई थी। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर से लैंड करने के बाद सभा स्थल की ओर जाते वक्त कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को गुलाब का फूल देते हुए नजर आते। इस दौरान प्रियंका गांधी बड़ी ही सादगी से दोनों लड़के का गुलाब फूल स्वीकार कर लेती है। जी हाँ, आपको तय चले कि ये तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स भी तरह तरह की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे। बता दें कि जिस तरीके से आज राजनांद गांव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली में भीड़ उमड़ा है, इससे तो यह साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का सफाया होने वाला है। कांग्रेस के नेतृत्व में एक बार फिर से तमाम सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचने वाले। फिलहाल प्रियंका गांधी की वायरल हो रही तस्वीर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ टेक से हर्षराज की रिपोर्ट।